हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आपका कुक विद पारुल में बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल बिना काजू की काजू कतली, जिसमें ना मैंने किसी चाशनी का उपयोग किया है ना ही मैंने कोई काजू डाले हैं, लेकिन इस स्पेशल कतली का टेस्ट बिल्कुल काजू की कतली जैसा आता है और बनाना बहुत ही आसान है इसको। और इसके लिए सिर्फ हमें मेजर 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इस कतली को आप कभी भी फास्ट में खा सकते हैं, इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काजू कतली बिना काजू के। कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। काजू की कतली बिना काजू के बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा बहुत ही लाभदायक होता है, इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सिंघाड़े को वाटर चेस्टनट भी कहते हैं और सिंघाड़े का आटा ज़्यादातर व्रत में खाया जाता है। फास्टिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। सिंघाड़े का आटा कहीं भी बहुत आसानी से मिल जाता है। सिंघाड़े के आटे में भरपूर विटामिंस, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा करता है। हलवाई जो भी काजू की कतली बनाते हैं उसमें भी वो लोग सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका स्वाद बिल्कुल काजू की कतली जैसा होता है। तो विश्वास मानिए, इससे जब कतली बनाएंगे तो बिल्कुल ये काजू की कतली जैसी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिया है यहाँ पर 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा, लगभग 2 टेबल स्पून देसी घी, 1/2 कप दूध फुल क्रीम वाला मैंने यहाँ पर लिया है, 50 से 60 ग्राम पिसी हुई चीनी जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैस पर पैन चढ़ाएंगे और गैस ऑन करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी, इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे सिंघाड़ी का आटा, और इसको अच्छी तरीके से सुनहरा होने तक भूनेंगे। जैसे ही इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी गैस ऑफ कर देंगे। सिंघाड़े के आटे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है और जितने भी फास्ट होते हैं, इस कतली को आप फास्ट में भी खा सकते हैं, कोई भी व्रत हो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ, थोड़ा ड्राई हो रहा है, और गैस को मीडियम कर देंगे, फ्लेम को लो कर देते हैं। अब हम इसको लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर, हल्का सुनहरा होने तक, और इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे तब तक। और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरीके से, जिससे ये लगे ना पैन पे। ये देखिए, इसका बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल भुन चुका है, तो इसको गैस को हम कर देते हैं ऑफ, और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। सिंघाड़े का आटा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, इसको हमें रूम टेम्परेचर पर ले आना है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे पिसी हुई चीनी, दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हलवाई या फिर आप मिठाई की शॉप पर जो काजू की कतली खरीदते हैं उसमें भी हलवाई लोग ये मिक्स करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इससे काजू की कतली में कोई फर्क नहीं पड़ता उसके टेस्ट में। तो यहाँ हम सिर्फ इसी की बना रहे हैं, इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। अब इसमें हम जरूरत के अनुसार, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल कड़ा डो बनना है, ज़्यादा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा हार्ड इसका डो लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध मिक्स करेंगे। या मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है जिसको मैंने उबाल लिया था और ठंडा कर लिया। अब इसको अच्छी तरीके से गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा दूध अभी और डालेंगे, क्योंकि हमें इसका जो डो है वो बिल्कुल कड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी फिर हमें कतली काटनी है। अगर हमने इसको पतला कर दिया तो फिर हमें कतली बनाने में मुश्किल होगी। देखिए, मैंने डो बिल्कुल तैयार कर लिया है। डो को हमें कड़ा ही रखना है, क्योंकि अगर ये पतला हो गया तो हमें कतली काटने में परेशानी होगी। अब हम लेंगे चकला और बेलन और उसको हल्के से घी लगा करके ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से, जिससे हमें बेलने में परेशानी ना हो। और अब हम लेंगे जो हमने डो तैयार किया है सिंघाड़े के आटे का उसको, और अब इसको हम बेलेंगे, इसको अब हल्के हाथ से हम बेलेंगे।
चकले को घुमा लेते हैं। थिकनेस बिल्कुल। अब इसको हम कतली की शेप में काट लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह का काटेंगे। आप जिस साइज के भी बनाना चाहते हैं, ज्यादा बड़ी साइज या छोटा साइज, उस हिसाब से कर ले। और अब हम क्या करेंगे, इसको तिरछा कतली की शेप दे देंगे। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हमें ये लगभग 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखनी होगी, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। स्पेशल कतली काजू की, बिना काजू वाली, ये बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितनी देखने में अच्छी बनी है। अगर आपको लगता है कि आपको डेकोरेट करनी है तो आप ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं इसको डेकोरेट। आप इस पे काजू भी सजा सकते हैं और खाने में ये बिल्कुल काजू की बर्फी जैसी ही लगती है। इसको बस आपको अब 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। इनका कलर जरूर व्हाइट नहीं आया है, लेकिन खाने का टेस्ट बिल्कुल काजू कतली जैसा है। तो ये स्पेशल कतली आप जरूर ट्राई करें। सबसे खास बात स्वाद भी और सेहत भी, क्योंकि ये बहुत ही सेहतमंद होती है। ये सिंघाड़े के आटे से बनी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। Hope you like this recipe. Your views matter to me. Your encouragement support means lot to me. So please click the subscription button and share the videos, watch the videos. Keep watching. Enjoy Smart Cooking with Cook with Parul.